ट्रिगोनोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बनता है। ट्री जानते हैं, ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेज है, इसको हम लोग थ्री कहते हैं। गोनो शब्द गोनिया से बना है। गोनो शब्द किससे बना है? गोनिया से, जिसका मतलब होता है एंगल। और मैट्री शब्द मैट्रॉन से बना है, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। यानी ट्राई का मतलब थ्री, और गोनो शब्द गोनिया से बना है जिसका मतलब होता है एंगल, और मैट्री शब्द मैट्रॉन से बना है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत, हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत कितना रेशियो होता है? छः रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? छः होता है जी, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छः होता है। तो हम ट्रिगोनोमेट्री के अंतर्गत ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो अध्ययन करते हैं वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। राइट एंगल्ड ट्रायंगल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल है थीटा, तो इस थीटा के लिए इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसको बेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। अगर एक एंगल यहाँ पर फाई रहता तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर फाई रहे, इस फाई के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। यानी ध्यान देने का बात ये है कि अगर ये थीटा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो उसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये कौन हो जाएगा? बेस। या दूसरी तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये एंगल है तो दो साइड बनाया होगा, वो साइड कौन कौन है? तो वो बेस होगा और हाइपोटेनस होगा, बाकी तीसरा साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के साथ ये फाई है तो क्या समझना है कि फाई है तो जरूर फाई को बनाया होगा बेस और हाइपोटेनस, और सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल दिया था हिपार्कस, ठीक है, हिपार्कस, जिसको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है हिपार्कस को। हिपार्कस को कहा जाता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। जो 190 बीसी से 120 बीसी तक था हिपार्कस, इसको कहा जाता है फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कुल मिलाकर 6 होता है। जैसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन कहते हैं, ठीक है, और इसको हिंदी में ज्या कहा जाता है। और ये रेशियो किसका किसका होता है? किसका किसका रेशियो होता है? ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर कोसाइन होता है। कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लोग कॉस कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है कोजिया। ये रेशियो होता है बेस और हाइपोटेनस। हम बता दें साइन के बारे में, ठीक है, साइन सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में संस्कृत में साइन को जीवा कहा जाता था, सबसे पहले जीवा कहा जाता था। इसको जब संस्कृत से अरबी में कन्वर्ट किया जाने लगा, ठीक है, तो जीवा लिखा गया। लेकिन जब अरबी से लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाने लगा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि जीवा बा में जबर दिया जाता है उस, और पहले जो है आम बोलचाल के हिसाब से जो लिखा जाता था उसमें जबर नहीं दिया जाता था, तो जबर नहीं समझ पाए, इसीलिए उसको समझ गया जैब। और जब जैब को लैटिन में कन्वर्ट किया गया, तो जैब को लैटिन में हम लोग कहते हैं साइनस, ठीक है। तो साइनस का मतलब होता है बे फोल्ड, साइनस का मतलब होता है बेल्ट, बे फोल्ड और बॉसम, समझ रहे हैं? बे का मतलब होता है खाड़ी, फोल्ड का मतलब होता है तह, और बॉसम का मतलब होता है करीबी, मतलब कह सकते हैं गहरा मित्र, जो करीबी दोस्त, गहरा दोस्त, जिसको हृदय में बसाया जा सकता है, उसको हम लोग बॉसम कहते हैं। तो जो वही साइनस शब्द से ये साइन बना, जिसको हम लोग शॉर्ट में साइन कहते हैं। और हम तो आपको बता दें कि संस्कृत वर्ड जीवा से बना, जीवा को अरबी में कन्वर्ट किया गया, जीवा लिखा गया, लेकिन
लैटिन में जब कन्वर्ट किया जाने लगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग ये हुआ कि जीवा को जैब पढ़ा जाने लगा, ठीक है। और जैब को लैटिन लैंग्वेज में साइनस कहते हैं, और साइनस का मतलब होता है बे, फोल्ड या फिर बॉसम, ठीक है। तो वही साइनस शब्द से लैटिन शब्द, यानी साइन जो है लैटिन शब्द साइनस से बना है, और साइनस का मतलब क्या होता है, बे, फोल्ड और बॉसम, ठीक है। इसको शॉर्ट में साइन कहते हैं। कॉस कोसाइन क्या होता है, जो कॉस है, तो कोसाइन जो होता है कंप्लीमेंट ऑफ साइन, कोसाइन कंप्लीमेंट ऑफ साइन, यानी साइन के कंप्लीमेंट को कोसाइन कहा जाता है। तीसरा नंबर पर टेंजेंट होता है, इसको शॉर्ट में हम लोग टैन लिखते हैं, और इसको हिंदी में क्या लिखते हैं, हिंदी में इसको लिखते हैं स्पर्श ज्या। ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। टेंजेंट जो है लैटिन शब्द टेंजियर से बना है, लैटिन शब्द किससे बना है, टेंजियर से बना है, हाँ टेंजियर, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू टच, टू टच, ठीक है, यानी स्पर्श करना, समझ में आ रहा है, हाँ। तो टेंजियर, हाँ टेंजियर, टी ए एन जी ई आर ई, टेंजियर शब्द से बना है टेंजेंट, जिसका मतलब होता है स्पर्श या टू टच हम लोग बोलते हैं। तो ये टेंजियर जो हिंदी में स्पर्श जिया कहलाता है, और ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉसेकेंड, कॉसेकेंड क्या होता है, तो कॉसेकेंड जो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, कॉसेक कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं जी, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं वायुजेया। ये जो है रेशियो होता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का, यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेकेंड होता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेकेंड, यहाँ पर कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, ठीक है। इसी सेकेंड का ये कंप्लीमेंट होता है कोसेकेंड, तो सेकेंड शॉर्ट में हम लोग इसको सेक कहते हैं। और बताइए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं वायुकोजिया। तो ये रेशियो किसका किसका होता है जी, ये किसका किसका रेशियो होता है, तो ये हाइपोटेनस और बेस का, यानी एच वाई बी होता है। उसके बाद हाँ थोड़ा सेकेंड शब्द जो है वो सेकेयर शब्द से बना है, समझ रहे हैं, जिसका मतलब होता है टू कट, ठीक है, प्रतिच्छेद करना, टू कट यानी काटना, प्रतिच्छेद करना। तो सेकेयर शब्द यानी लैटिन शब्द सेकेयर से बना है सेकेंड, जिसका मतलब होता है प्रतिच्छेद करना या काटना, टू कट। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर, छठे नंबर पर, जो तीसरे नंबर पर टैन है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। बताओ तो कोटेंजेंट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं वायु स्पर्श ज्या, जो रेशियो होता है बेस और परपेंडिकुलर, तो बी वाई पी, यानी बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है कोटेंजेंट। और ये कोटेंजेंट क्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पर टेंजेंट, यहाँ पर को लगा हुआ, तो इसको कहते हैं कंप्लीमेंट ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट का कंप्लीमेंट होता है। हाँ टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है, अच्छा सवाल, सही सवाल कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है, ये तो समझ में आ गया सबको, ठीक। साइन कोसाइन टेंजेंट कोसेकेंट सेकेंट और कोटेंजेंट हमको पता है। अब कोई पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है, यानी साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट क्यों नहीं होता, और एक होता उसका नाम देते हैं पॉट, कुछ भी होता, लेकिन 6 ही क्यों होता है, तो हम बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ही क्यों होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास तीन एलिमेंट्स या तीन वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड। अब कहा जाए ये देखो जी, ये तीन वेरिएबल्स है, इसका तुम कितना रेशियो बना सकते हो, अब ध्यान दीजिए कि हम कितना बना सकते हैं, तो x बटा वाई इसको लिख सकते हैं, यानी इसका रेशियो के रूप में रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, बताओ जी उसके बाद क्या लिख सकते हो तुम, वाई वाई एक्स लिख सकते हो, और वाई वाई क्या लिख सकते हो, जेड। अब बताओ जेड वाई एक्स लिख सकते हो, और जेड वाई वाई और भी कुछ लिख सकते हो, और कुछ नहीं लिख सकते हो। तो क्या पता चला कि तीन एलिमेंट्स है, तीन वेरिएबल्स है, तो उससे सिर्फ 6 ही रेशियो बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, और तुम जानते हो कि ट्रायंगल में अगर ये थीटा है
तो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, तीन ही साइड होता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब बताओ कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से कितना रेशियो बनेगा? 6 बनेगा। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 होता है। तो हम लिख सकते हैं पी वाई बी लिख सकते हैं और पी वाई एच लिख सकते हैं, फिर बी वाई पी लिख सकते हैं और बी वाई एच लिख सकते हैं, फिर एच वाई पी लिख सकते हैं और एच वाई बी लिख सकते हैं। टोटल मिला के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है कितना होता है? 6 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे कि अगर याद करने में प्रॉब्लम हो, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर के द्वारा इस तरह से याद कराया जाता था कि साइन पी वाई एच होता है कॉस बी वाई एच टैन पी वाई बी, वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, पी वी पी और एच एच बी और एस सी टी, तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे कि पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तौले। ठीक है, तो पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तौले। आप जानते हैं ये रेशियो है पी और एच का, तो पी वाई एच साइन, बी वाई एच कॉस और पी वाई बी टैन। तो इस तरह से हम को याद कराया था हम लोग जो पढ़ते थे, तो पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोले और सोना चांदी तौले, तो इस तरह से। उसके बाद जब हम लोग पढ़ते थे तो एक लड़का था, उसका नाम पवन था, बड़ा शरीफ लड़का। ठीक है, अभी भी मिलता है तो बड़ा शराफत से, पहले से और ज़्यादा शरीफ हो गया। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो साथ में बैठता था, बल्कि अगल बगल वाले बेंच पर बैठता था। तो उसको चिढ़ाने के लिए हम लोग याद किए थे ट्रिक कि पवन बेटा पगला हाय हाय बोले और सोना चांदी तौले। तो साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस और टैन परपेंडिकुलर बाई बेस, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम बिहार बोर्ड में पढ़ाते थे तो बहुत से स्टूडेंट के दिमाग में आता ही नहीं था, तो और भी आसान तरीके से बताते थे, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते थे। कुछ नहीं तो लास्ट में एक लड़का खड़ा होकर बोला, उससे उसको खड़ा किया और पूछें कि साइन बराबर क्या होता है, साइन किसका किसका रेशियो होता है, तो वो सही से बता नहीं पाया। तो मजबूरी में हमको एक तरीका अपनाना पड़ा और उसको बोले हम कि शहनवाज पागल है, शहनवाज पागल है। तो उसको लगा कि सर गुस्सा चुके हैं, गुस्सा गए हैं, बोले सर सॉरी अब हम याद कर लेंगे। हम बोला कि शहनवाज पागल है, साइन परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, साइन परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस। उसके बाद बोले कि बेचारा कौशल भोला है या कौ भोली है, यानी गाय भोली है, तो कौ भोली है कॉस बराबर बेस वाई हाइपोटेनस। उसके बाद बोले हम उसको कि टाई पहनो बेटा, टाई पहनो बेटा टाइन बराबर पी वाई भी होता है। तो इस तरह से हम याद याद करने के लिए आप जैसे भी याद कर सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक होता है और कॉस का रेसिप्रोकल सिक होता है और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। इस तरह से हम रिपीट कर सकते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए दिया रहे, दूसरी तरह से हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरे तरह से कि एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और मान लिया जाए कि यहाँ पर थीटा और ये मान लिया जाए कि 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो है वो हाइपोटेनस यानी 10 सेंटीमीटर। इसमें कहा जाए कि साइन का वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा आप जानते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस होता है। तो हम जानते हैं कि थीटा के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और जो सबसे बड़ा सर तो हाइपोटेनस हो गई और बाकी ये बेस होता है, तो 6y 10, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3 × 6 = 5 × 10, तो 3/3 कितना हो जाएगा, 5। दूसरी तरह से हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस के अलावा अपोजिट वाई हाइपोटेनस भी होता है। हम इस तरह से रिप्रेजेंट किया था और बड़े बड़े बुक में जब एडवांस लेवल का बुक पढ़ें वो ट्रिगोनोमेट्री जो समझाता है वो परपेंडिकुलर बेस के जगह पर अपोजिट और एडजेसेंट यूज करता है। जैसे याद रखने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं सो कह और टोवा, क्या मतलब हुआ सो कह टोवा, साइन बराबर होता है अपोजिट वाई हाइपोटेनस, कॉस बराबर एडजेसेंट वाई हाइपोटेनस और टैन बराबर अपोजिट वाई एडजेसेंट। जैसे आपको पूछे कि आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट वाई हाइपोटेनस, तो थीटा के अपोजिट कौन है जी, थीटा का अपोजिट कितना है,
ए बी ये थीटा का अपोजिट यानी 6, तो यहाँ पर 6 लेंगे, और वाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है 10, तो हम लोग लिख सकते हैं 3y 5। इस तरह से आपसे पूछे कि आपको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो कॉस थीटा ध्यान देना कि कॉस एडजेसेंट और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, तो दिमाग लगाना थीटा करे ये अपोजिट है, ये एडजेसेंट और ये क्या है हाइपोटेनस है, तो बताओ थीटा के लिए एडजेसेंट कितना 20 यानी 8, और बताओ कि हाइपोटेनस कितना 10, तो इसको लिख सकते हो तुम 4y कितना लिख सकते हो 5। अब बोलो अगर tan थीटा तुमसे पूछे तो क्या बोलोगे, tan बराबर होता है अपोजिट y एडजेसेंट, अपोजिट y एडजेसेंट, बताओ थीटा के लिए अपोजिट कौन होगा, बताइए थीटा के लिए अपोजिट कौन होगा, 6 हो जाएगा, तो 6 और बेस कितना यानी एडजेसेंट, क्या एडजेसेंट 8, तो लिख सकते हैं 3y 4। इस तरह से हम याद कर सकते हैं के साइन जो होता है वो अपोजिट वाई हाइपोटेनस होता है, कॉस एडजेसेंट वाई हाइपोटेनस, और टैन क्या होता है अपोजिट वाई एडजेसेंट, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ठीक, तो अगर यहाँ पर रहता फाई तो आपसे कोई वैल्यू पूछता कि आपको बताना है साइन फाई का वैल्यू, तो साइन फाई वही बात, साइन फाई आप जानते हैं कि साइन फाई बराबर यानी साइन बराबर होता है अपोजिट वाई हाइपोटेनस यानी अपोजिट वाई हाइपोटेनस, तो बताओ फाई के लिए अपोजिट कौन हो जाएगा 8, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y 5। इस तरह से हमसे कॉस पूछे या फिर टेन पूछे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारा आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो सो का टोवा याद रखने के लिए कि साइन जो होता है वो अपोजिट वाई हाइपोटेनस होता है, कॉस एडजेसेंट वाई हाइपोटेनस, और टेन अपोजिट वाई एडजेसेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू 3y 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करना, तो बहुत से स्टूडेंट इस तरह से बना देते हैं कि साइन थीटा बराबर 3y 5, आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं पी वाई एच और बी निकाल देते हैं, आंसर तो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये जो बता रिप्रेजेंट हो रहा है वो रेशियो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। समझने के लिए जैसे हम पूछें या हम बोलें कि आप और आपके पिताजी के एज का रेशियो 1:2 है, यानी आपका एज और आपके पिताजी का एज दोनों के एज का रेशियो जो है वो 1:2 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 साल के आपके पिताजी 2 साल के, ऐसा तो होता नहीं है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो एज है आपके पिताजी का एज का आधा है, यानी आपके पिताजी का एज आपके एज का दुगना है, ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो। तो ज़रूर जैसे 1:2 हुआ तो यहाँ पर कुछ देंगे, हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म जो होगा वहाँ पर 20 होगा, यानी आपका जो एज 20 ईयर्स और आपके पिताजी का कितना ईयर 40 ईयर। इसीलिए जब भी रेशियो में रिप्रेजेंट किया हुआ रहे तो हम इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई के रूप में जोड़ेंगे पुट करेंगे, तो यहाँ पर आप k दे सकते हैं, x दे सकते हैं, y दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो अब साइन थीटा और 3y 5 है तो दोनों तरफ देना पड़ेगा ताकि पता चले ये रेशियो में। अब बताओ क्या है ये साइन थीटा, क्या होता है परपेंडिकुलर y हाइपोटेनस, किसका ज़रूरत है, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, किसका ज़रूरत है, किस बेस का ज़रूरत है, तो बेस फाइंड करो, यू नो डैट बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस कितना है बोलो तो 5k स्क्वायर, और माइनस पी कितना है 3k, तो 3k स्क्वायर। बेस स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर कितना होता है जी बोलो तो 25k स्क्वायर, और 3k स्क्वायर कितना हो गया 9k स्क्वायर। अब बताओ 25k स्क्वायर से 9k स्क्वायर घटेगा तो कितना आ जाएगा 16k स्क्वायर। अब बताओ बी स्क्वायर हटेगा तो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव में लिखते हैं, ऐसे प्लस माइनस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन साइड रिप्रेजेंट करें यानी डिस्टेंस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16k स्क्वायर, 16 का कितना हो जाएगा 4, और k स्क्वायर का k, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है और k स्क्वायर का रूट k होता है, तो b बराबर 4k आया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, बताओ कॉस थीटा बराबर क्या होता है PYH यानी बेस वाई हाइपोटेनस, तो बताओ कि बेस कितना है, तो बेस हम लोग अभी अभी 4k फाइंड किए हैं, और एज कितना है 5k, तो ये k से k कट कर सकते हो कोई बात नहीं, तो कॉस थीटा कितना आया 4y 5, ये वैल्यू आया कॉस थीटा।
इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंतर्गत आज पढ़ेंगे हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और यहाँ पर टेबल बना हुआ है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इस तरह से टेबल इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किताबों में भी ये बात दिया रहता है कि सबसे पहले हम 0 डिग्री लिखते हैं, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले लिखते हैं 0/4, फिर 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और 4/4। यानी 0/4, यानी 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। और इसको स्क्वायर रूट के अंदर कर देते हैं सभी को, अंडर स्क्वायर रूट। ये जो सारा वैल्यू होता है वो साइन का वैल्यू होता है, ठीक है। तो 0/4 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, 2 × 2 = 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का क्या होता है, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 4 से 4 कट जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। फिर हम कॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो ध्यान रखना है कि कॉस का वैल्यू निकालने के लिए उल्टा लिख देते हैं, यानी 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1 है। तो कॉस के लिए रिवर्स कर देते हैं, तो 1, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर कितना, 0, ठीक है। मतलब रिवर्स, ये वैल्यू पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और हम जानते हैं कि टैन जो होता है वो रेशियो ऑफ साइन और कॉस होता है, साइन वाई कॉस टैन होता है। जानते हैं साइन पी वाई एच होता है और वाई कॉस कॉस बी वाई एच होता है, एस से एच कट जाएगा, पी वाई बी, पी वाई बराबर क्या होता है, टैन होता है। तो टैन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो टैन साइन और कॉस का रेशियो, तो हम भाग लगा देंगे, साइन वाई कॉस बराबर टैन, तो साइन वाई कॉस, यानी टैन 0 डिग्री के लिए 0/1, भाग लगाते हैं 0/1 कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर भाग लगाएंगे 1/2 को √3/2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1/√3। उसके बाद 1/√2 को 1/√3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। उसके बाद √3/2 को 1/2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 कितना हो जाएगा, √3। 1/0 नॉट डिफाइंड, आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को हम भाग नहीं लगा सकते, यानी 0 कभी डिवाइजर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम कॉसेक का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साइन के सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल कॉसेक का वैल्यू, कॉस के सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल सेक का वैल्यू, और कॉट का वैल्यू जो है वो टैन के सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्युत्कर। जैसे हमारे पास दिया रहे कि 2y3 एक रेशनल नंबर है, इसका रेसिप्रोकल करिए, तो इसको नंबरेटर कहते हैं, इसको डेनोमिनेटर। तो 2y3 का जो रेसिप्रोकल है, यानी जो डेनोमिनेटर है वो नंबरेटर बन जाएगा, और जो नंबरेटर है वो क्या बन जाएगा, डेनोमिनेटर। इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। अब हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, उंगली के सहायता से भी हम इसको याद रख सकते हैं कि इसको माने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इस तरह से। तो साइन के लिए ध्यान रहे कि हम क्लॉक वाइज लेंगे, ठीक है, और कॉस के लिए एंटी क्लॉक वाइज लेंगे, ठीक है। याद रहेगा कि इसको क्या कितना डिग्री माने, लिटिल फिंगर 0 डिग्री, ईयरिंग फिंगर 30 डिग्री, 30 डिग्री और मिडिल फिंगर 45 और इंडेक्स जो है वो 60 और ये थंब 90 डिग्री। याद रखने के लिए हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जैसे हमको निकालना है साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री, तो ध्यान रहे कि 0 डिग्री ये, और हम कहें कि साइन के लिए क्लॉक वाइज चलेंगे और कॉस के लिए एंटी क्लॉक वाइज। तो ये लिटिल फिंगर के इधर कितना फिंगर है, साइन के लिए, साइन के लिए क्लॉक वाइज चलेंगे तो लिटिल फिंगर के इधर कितना फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं है। जितना फिंगर रहेगा उसका स्क्वायर रूट दे के 2 से भाग लगा देना, बस, ठीक है, ध्यान रहे। तो लिटिल फिंगर के इधर एक भी फिंगर नहीं है, ठीक है, तो 0 फिंगर, तो 0 का स्क्वायर रूट को 2 से भाग लगाइए, तो बताइए 0 का स्क्वायर रूट तो 0 होता है, 0/2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब हम आते हैं 30, ठीक है, हम बताए थे 0, 30, 45, 60 और 90। 30 के लिए
तो साइन है तो किधर चलेंगे, क्लॉक वाइज। तो आप जानते हैं इस फिंगर के क्लॉक वाइज कितना फिंगर, एक फिंगर। तो बताए थे कि जितना भी फिंगर रहे क्या करना है उसका स्क्वायर रूट, हाँ जितना भी फिंगर रहे उसका स्क्वायर रूट का आधा, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट। तो क्या है कि इस फिंगर के इधर कितना फिंगर है, एक फिंगर है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू हाँ स्क्वायर रूट अंडर वन, यानी एक फिंगर था बाई टू, स्क्वायर रूट अंडर वन का वैल्यू वन, वन बाई टू। अब हम बात करते हैं 45 के लिए, किसके लिए 45। तो 45 की इधर कितना क्लॉक वाइज जाएंगे तो दो उंगली, तो जितना उंगली रहे उसका स्क्वायर रूट यानी साइन 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जितना उंगली, कितना उंगली था दो उंगली, तो स्क्वायर रूट टू और वाई कितना, तो ध्यान रहे कि ये वन वाई रूट टू के बराबर है। अगर हम नमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को रूट टू से मल्टीप्लाई करें तो रूट टू को रूट टू से गुना करेंगे तो रूट फोर, रूट फोर का क्या होता है टू, और टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो टू रूट टू कट जाएगा तो वन वाई रूट टू, ठीक है, या रूट टू वाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू साइन 60 का निकालना रहा, तो देखिए साइन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, इधर कितना उंगली है तीन उंगली, जितना उंगली रहे उसका स्क्वायर रूट का हाफ, तो तीन उंगली था तो स्क्वायर रूट थ्री और बाई टू, ठीक। इस तरह से हम 90 निकाल सकते हैं साइन 90 का वैल्यू, तो बताओ साइन 90 किसके लिए, थंब, ठीक है थंब, तो इधर कितना उंगली है चार उंगली, तो उसका स्क्वायर रूट बाई टू, तो फोर का स्क्वायर रूट और बाई टू। आप जानते हैं चार का स्क्वायर रूट क्या होता है और बाई टू, तो दो से दो कट जाएगा कितना आ जाएगा, तो इस तरह से बता सकते हैं साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, साइन 30 का वन बाई टू, साइन 45 का वन बाई रूट टू या रूट थ्री, रूट टू बाई टू, और साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है वन होता है। और कॉस का वैल्यू निकालना तो आपको पता था कि रिवर्स कर देंगे, ठीक है, जो साइन जीरो का होगा पिछले बार जो किए थे वो साइन, जो साइन जीरो का वैल्यू हो कॉस 90 का वैल्यू होगा रिवर्स, यानी वन फिर रूट थ्री बाई टू फिर वन बाई रूट टू वन बाई टू जीरो। और अगर हम उंगली के सहायता से कॉस का निकालना चाहें तो क्या बताए थे, हाँ एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। तो हम लोग, अगर हम लोग से पूछे कि कॉस जीरो का वैल्यू फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ फिंगर, तो ध्यान रहे ये जीरो डिग्री। अब बताए थे कॉस के लिए, तो कॉस के लिए किधर चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज, तो इधर कितना उंगली है चार, जितना भी उंगली रहे उसका स्क्वायर रूट का हाफ, उसका स्क्वायर रूट का हाफ, तो फोर फिंगर है तो स्क्वायर रूट फोर बाई टू। अच्छा फोर का स्क्वायर रूट कितना होता है दो होता है, टू बाई टू कितना हो जाएगा वन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस किसके लिए, 30 के लिए, ठीक है, किधर एंटी क्लॉक वाइज, कितना उंगली है तीन उंगली है, तो क्या करेंगे कॉस 30 बराबर क्या लिखें, बताइए कॉस 30 बराबर क्या लिखें, स्क्वायर रूट अंडर थ्री, यानी जितना उंगली उसका स्क्वायर रूट का हाफ। अब यहाँ बात करते हैं कॉस 45, तो 45 के लिए ये क्या है 45 एंटी क्लॉक वाइज, इधर कितना उंगली है दो उंगली, तो जितना उंगली उसका स्क्वायर रूट का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे। और हम बताए थे स्क्वायर रूट टू बाई टू का मतलब वन बाई रूट टू भी, अभी हम बताए थे कि ऊपर नीचे रूट टू से मल्टीप्लाई का, तो रूट टू को रूट टू से, स्क्वायर रूट टू दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा दो और टू रूट टू एक, तो रूट टू बाई टू भी लिख सकते हैं या वन बाई रूट टू। अब हम बात करते हैं कॉस 60 डिग्री के लिए, तो 60 कौन है ये 60 है, किधर जाएंगे एंटी क्लॉक वाइज, कितना उंगली है वन फिंगर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर वन उसका हाफ, तो वन का स्क्वायर रूट क्या होता है वन और वाई कितना हो जाएगा टू। अब कॉस 90, तो कॉस 90 के लिए ये इधर कितना फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं एंटी क्लॉक वाइज, एक भी फिंगर नहीं है, एक भी नहीं यानी जीरो फिंगर, तो स्क्वायर रूट अंडर जीरो वाई टू, अच्छा जीरो का स्क्वायर रूट जीरो वाई टू यानी कितना हो जाएगा, तो इस तरह से हम टैन भी फाइंड कर सकते हैं, यू नो डैट साइन इज रेशियो ऑफ साइन, सॉरी टैन इज रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, आप जानते हैं कि टैन जो होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है, तो हम टैन भी फाइंड कर सकते हैं, कॉसेक भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल, उसके बाद सेक भी फाइंड कर सकते हैं कॉस का रेसिप्रोकल, कॉट फाइंड कर सकते हैं टैन का रेसिप्रोकल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मोर देन 90 डिग्री, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मोर देन 90 डिग्री। हम जानते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है एक्स एक्सिस, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहा जाता है। ये एक्सिस जो है एक प्लेन को चार भाग में बांटते हैं, प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं,
इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मोर देन 90 डिग्री के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में किस साइन के साथ रहता है, यानी वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। एक हम टेबल बनाते हैं फिर बताएंगे कि याद कैसे किया जाए या हम बिना टेबल के मदद से कैसे याद रखें। तो देखते हैं, ये साइन है और साइन का रेसिप्रोकल हम जानते हैं क्या होता है, कॉस है। उसके बाद कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। और उसके बाद टैन, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। ठीक है, इसको इधर हम लोग रखते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको क्वाड्रेंट लिख देते हैं, यानी क्वाड्रेंट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो साइन और कॉसेक जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में भी नेगेटिव होता है। कॉस और सेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव और फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव। टैन और कॉट फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब हमें टेबल याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, तो एक आसान तरीका बताते हैं कि अगर टेबल याद नहीं रहे तो इस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव होने का पता लगा सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए देंगे, सेकंड में एस और थर्ड में टी और फोर्थ में सी, यानी ए एस टी सी। इसको हम इस तरह से याद रख सकते हैं, ए एस टी सी को आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये जो हम यूज कर रहे हैं ए एस टी सी, वो पॉजिटिव साइन के लिए यूज कर रहे हैं सिर्फ, यानी हमको पता चलेगा कि क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है। तो एक आसान तरीका है, फर्स्ट में क्या है, ए का मतलब होता है समझने के लिए ऑल, यानी ए से ऑल पॉजिटिव। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए है यानी ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव। सेकंड में जो एस से शुरू हो रहा है, हम लोग को देखना है साइन कॉस टैन, इधर वाला नहीं देखना, इधर वाला देखना साइन। तो एस से कौन शुरू हो रहा है, साइन। तो सेकंड में जो एस से शुरू हो रहा है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर है। और थर्ड में हम लोग देखेंगे कि टी है, यानी टी से कौन शुरू हो रहा है, टैन शुरू हो रहा है। तो थर्ड में टैन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर। और फोर्थ में सी है, सी से कौन शुरू हो रहा है, कॉस। तो थर्ड में, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, क्लियर। तो हमको पता चल गया कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम लोग मान वैल्यू जानते हैं कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो रिलेटेड होगा 30 डिग्री से, 45 डिग्री से, 60 डिग्री से और 90 डिग्री से। अगर हमसे पूछे कि हमको वैल्यू निकालना रहे साइन 210 डिग्री का, साइन 210 डिग्री, एक बात यहाँ याद रखना है कि अगर कोई एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ पॉजिटिव होता है तो हम एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, अगर नेगेटिव होता है तो क्लॉक वाइज चलते हैं। याद रहेगा ना, पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा तो एंटी क्लॉक वाइज, नेगेटिव रहेगा तो क्लॉक वाइज। और जब भी एंगल हमको लेना रहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ वो हॉरिजेंटल एक्सिस के साथ लेंगे, यानी एक्स एक्सिस के साथ, याद रहेगा। ठीक है, हमेशा हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे। तो साइन 210 डिग्री का वैल्यू अगर पूछे तो कैसे, एकदम आसान तरीका, सिर्फ हमको याद रहना चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, एकदम आसान तरीका। 210 है तो ये कितना डिग्री, 90, हम जानते हैं ये 90, ये 180, ये 270, ये पूरा 360, वन रेवोल्यूशन 360। तो हम 210 डिग्री, तो ये 90, 180, अब 180 के बहुत नज़दीक है 210, 180 में कितना जोड़ेंगे 210 आएगा, 30 डिग्री। तो बताया जाए कि हम जान रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बताइए कि ये 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में ठहरा हुआ है, थर्ड में। तो साइन 210 बराबर हम साइन 30 डिग्री लिख देते हैं और देखेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट, अब बताया जाए कि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस, यानी साइन 210 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2 होता है, क्लियर, इस तरह से। और आगे पूछ सकते हैं जी, कॉस 210 डिग्री रहे, तो कॉस 210 डिग्री, तो एकदम सेम तरीका उसी तरह से।
पूछा जा रहा है कॉस 210 डिग्री, सेम तरीका, कौन है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एंटी क्लॉक वाइज, तो एंटी क्लॉक वाइज 90, 180, 210 डिग्री, 210 डिग्री सेम। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, सॉरी ये 90, ये 180 और ये कितना हो जाएगा 30, कौन क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो कॉस 210 बराबर कॉस 30 डिग्री। अब बताया जाए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये कौन क्वाड्रेंट फोर्थ, बताओ कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर देंगे माइनस, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। सेम काम जो करते थे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, 240 90, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज चलेंगे, 90, 180, 240 है तो 180 में कितना डिग्री जोड़ोगे कि 240 आएगा, 60 डिग्री, बार बार तो 30 मार रहा है, कोई दूसरा क्वेश्चन पूछो। तो टैन 240 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, टैन कितना डिग्री आया है 60 डिग्री, और थर्ड में टैन क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव, तो टैन 60 डिग्री का वैल्यू कितना था √3, यानी टैन 240 डिग्री का वैल्यू कितना आया √3। तो सेम काम क्या करें, यहाँ पर 90, 180 और 90 कितना होगा 270 में कितना जोड़ेंगे कि 330 आएगा 60, ठीक है, लेकिन हम बताए थे कि एंगल जो लेना है वो हमेशा किस एक्सिस के साथ लेना है, हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, ये 60 आया तो ये कितना हो जाएगा 30 होगा, हम जानते हैं ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होता तो 60 होता 30 हो जाएगा ना, तो कौन एक्सिस के साथ लिया जाता है बताए थे किस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30, तो sec 330 बराबर लिखेंगे हम लोग sec कितना 30। अब बताया जाए कि sec ये कौन क्वाड्रेंट में रुका हुआ है, फोर्थ में, तो फोर्थ में sec क्या होता है, तो फोर्थ में sec क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2y√3, sec 30 का वैल्यू 2y√3 होता है, तो यानी sec 330 डिग्री का वैल्यू 2y√3। अगर कोई ऐसा वैल्यू है जो 360 से ज़्यादा रहे, जैसे कि 1140, हाँ cos 1140 डिग्री, तो अगर कोई भी वैल्यू 360 डिग्री से ज़्यादा रहे तो सबसे पहले हम उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो रिमाइंडर आया, ठीक है, वो एक्चुअल डिग्री होगा। जैसे क्वेश्चन दिया रहे यहाँ पर कि cos कितना डिग्री पूछ रहे हैं, 1140, हाँ जैसे cos 1140 डिग्री, तो ये 360 डिग्री से ज़्यादा है, तो अगर 360 डिग्री से ज़्यादा रहा तो इसको 360 डिग्री से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 360 डिग्री से डिवाइड, जो रिमाइंडर आया वही मेन डिग्री, मेन एंगल हुआ, ठीक है, तो 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे 1100 किसको 40 से, याद रखना अगर 360 डिग्री से ज़्यादा रहा तो 360 डिग्री से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो एक्चुअल एंगल होगा, समझ में आ रहा है, तो 360 से भाग लाएंगे कितने बार में, तीन बार, कितना हो जाएगा 1080 डिग्री, क्लियर है, तो 0 और यहाँ पर 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री आया, दरअसल कॉस 1140 बराबर जो रिमाइंडर आया वो दे दीजिए, कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 1/2। अभी आप कह रहे थे कि कोई वैल्यू नेगेटिव हो तो क्लॉक वाइज डायरेक्शन निकालें, तो कोई एक नेगेटिव वैल्यू का सॉल्व करके आप बता दें ताकि हम लोग बना सकें, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू, हम कहे थे कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ पॉजिटिव एंगल रहा तो एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं, अगर नेगेटिव रहा तो क्लॉक वाइज, ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू जैसे यहाँ पर दिया रहे आपको कि cos -210 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना, तो हम बता चुके हैं कि अगर एंगल पॉजिटिव रहा तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जाएंगे और अगर नेगेटिव रहा तो क्लॉक वाइज जाएंगे, और हम आपको बता चुके थे एंगल जो हम कहाँ से लेते थे, यहाँ से, ठीक है, तो हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कैसे जाएंगे, किधर जाएंगे, तो क्लॉक वाइज जाएंगे, तो क्लॉक ऐसे है तो इधर 90 डिग्री 180 डिग्री और कितना 210 है, तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, क्लियर,
तो ये जो है कॉस 210 माइनस 210 डिग्री, वो कॉस किसके बराबर हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। क्लियर? अब ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट होता है, सेकंड, ये थर्ड, और ये कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रुका हुआ है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है हम जानते हैं ना, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर माइनस कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू बोली, हाँ कॉस 3 का, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। क्लियर? प्रूफ ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। पिछले लेक्चर में हम लोग याद करने का तरीका सीखे थे कि किस तरह से याद किया जाए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए कुछ पार्टिकुलर एंगल को, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आज हम लोग प्रूफ करेंगे ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल का तीनों साइड का लंबाई बराबर होता है उसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ रहे हैं। और तीनों साइड का लंबाई जब बराबर होगा तो तीनों एंगल का मेजर भी बराबर सेम होगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है ना। और हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेडियन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर बात? और मान लिया जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है और इसके साइड का लंबाई मान लिया जाए कि 2x है, ठीक है, इसका लंबाई 2x और ये भी 2x और ये भी 2x। हम जो है x भी ले सकते थे, तो x x x, तो यहाँ xy2 लिखना पड़ता, तो जो मर्जी जो लिखें, ठीक है। अगर हम 2x लिखेंगे तो आसान क्या होगा, यहाँ 2x है तो यहाँ xx आसानी से लिख लेते हैं। और मान लिया जाए कि AD परपेंडिकुलर BC, तो बताया गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मेडियन भी होता है। हम मेडियन जानते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू मिड पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ दिस वर्टेक्स इज कॉल्ड मेडियन। तो यहाँ पर 2x है तो xx हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये ADB या ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी? अरे ADB और ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ऊपर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम 30-30 लिख सकते हैं। कैसे 30-30 लिख सकते हैं, दो तरह से 30-30। सबसे पहली बात ये कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। दूसरी बात है कि ये AD परपेंडिकुलर BC यानी ये राइट एंगल है 90 डिग्री। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो 90 और 60 150 डिग्री, 180 से 150 घटाओगे तो कितना आएगा, 30। ट्रायंगल के तीनों एंगल के सम 180, तो 90 और 60 150 हो गया, 30 हो गया। क्लियर बात? अब यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, या तो ADB ले लेते हैं या ADC। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB, ध्यान देना ADB, हमको AB का लेंथ पता है, AB कितना है, 2x है। BD का लेंथ पता है कितना है, x है। AD फाइंड करना, तो बताया जाए कि AD फाइंड करने के लिए बताओ तो कि AD का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ AB और माइनस स्क्वायर ऑफ BD, लिख सकते हैं कि नहीं। अरे AD स्क्वायर बराबर मान लिया जाए कि ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर है ये बेस या हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो AD स्क्वायर बराबर, अब बताओ कि लेंथ ऑफ AB कितना है, तो लेंथ ऑफ AB कितना है, 2x है, तो यहाँ पर दे दो 2x टू द पावर 2, और BD कितना है, x है, तो x स्क्वायर। अब फिर AD स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर घटेगा कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर AD स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस में स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन हम लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, लेंथ तो प्लस माइनस में होता नहीं है, तो सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं। क्या लिखें, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट अंडर कितना, 3x स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, तो 3 का रूट 3 होगा, x स्क्वायर के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी लेंथ ऑफ AD कितना आया, तो लेंथ ऑफ AD x रूट 3 आया। क्लियर, ठीक है। ये 2x यूनिट है, ये x यूनिट और ये x रूट 3 यूनिट हम फाइंड करते हैं। जैसे हमको निकालना रहा कि आपको फाइंड करना है सबसे पहले साइन 30 डिग्री का वैल्यू। ध्यान दीजिए कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो ADB में 30 डिग्री यहाँ है, और हम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि जो एंगल को लिया जा रहा है उस एंगल के सामने का साइड परपेंडिकुलर होता है, और बाकी बेस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री, बताओ कि ADB में 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BD होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे BD, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा,
यानी हम जानते हैं कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर बी डी और हाइपोटेनस बोलो ए बी, तो बी डी कितना है तो x है और ए बी कितना 2x, तो x x कट जाएगा यानी 1 बाई कितना आ जाएगा 2, तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। इस तरह से हम cos 30 का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, cos 30 यानी cos बराबर क्या होता है बेस वाई क्या हाइपोटेनस। बताइए कि 30 डिग्री के लिए बेस कौन हो जाएगा, ये 30 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, बेस क्या हो जाएगा ए डी यानी बेस हो जाएगा ए डी, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ए बी। अब बताओ कि लेंथ ऑफ ए डी कितना लाए हो, ए डी का लेंथ कितना है एक्स रूट थ्री और ए बी कितना है 2x, एक्स एक्स कट जाएगा यानी कितना आया बोलो रूट थ्री बाई टू, यानी कॉस 30 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू। फिर इस तरह से हम टैन निकाल सकते हैं, तो टैन 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ कि 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा ए डी बी में बी डी, तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं बी डी और बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बी डी, बेस क्या हो जाएगा ए डी, तो लेंथ ऑफ बी डी कितना है एक्स, तो यहाँ पर एक्स दे देंगे और लेंथ ऑफ ए डी कितना है एक्स रूट थ्री, एक्स रूट थ्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा तो वन, तो वन बाई रूट थ्री यानी टेन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। अब तुम बताओ कि क्या तुम कॉसेक सेक और कॉट निकाल सकते हो, हमको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट जो है वो टेन का होता है, क्लियर। अब हम 60 डिग्री में आते हैं, तो हमको फाइंड करने के लिए कहे कि साइन 60 कॉस 60 और टेन 60 फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, तो देखें मान लिया जाए कि साइन 60, तो हम ए डी बी ट्रायंगल लिए थे, तो बताओ कि 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हाँ साइड एंगल के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हमको पता है। या याद रखने के लिए पिछले लेक्चर में हम याद दिला दें कि बताए थे कि जो एंगल ले रहे हैं उस एंगल को बेस और हाइपोटेनस बनाया होगा, ये ध्यान देना है। तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, हाँ बोलिए ए डी बी में, हाँ ए डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बताओ कि हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, अरे हमको पता है ना कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और हाइपोटेनस क्या होगा ए बी, तो लेंथ ऑफ ए डी कितना, लेंथ ऑफ ए डी एक्स रूट थ्री और ए बी क्या है 2x, तो एक्स एक्स कट जाएगा यानी रूट थ्री बाई क्या आया 2, यानी साइन 60 का वैल्यू रूट थ्री बाई टू। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं किसका वैल्यू कॉस 60 का, कॉस बराबर क्या होता है बेस वाई हाइपोटेनस, 60 डिग्री के लिए बेस कौन हो जाएगा बी डी और हाइपोटेनस कितना है ए बी, तो बेस बी डी यानी एक्स और ए बी 2x, एक्स एक्स कट जाएगा 1 वाई क्या आया 2 आया। इस तरह से हम टेन भी निकाल सकते हैं, समझ रहे कॉस 60 का वैल्यू कितना आया 1/2। अब टेन 60, टेन क्या होता है, टेन किसका किसका रेशियो होता है, तो टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, तो 60 के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए डी और बेस हो जाएगा बी डी, क्लियर ए डी है ना और बेस बी डी, तो ए लेंथ ऑफ ए डी जो है वो एक्स रूट थ्री है और बी डी एक्स कितना आ जाएगा रूट थ्री। तो फिर से बता दो क्या तुम कॉस एक फाइंड कर सकते हो जो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक फाइंड कर सकते हो जो कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉट भी फाइंड कर सकते हैं जो टेन का रेसिप्रोकल है। तो हम लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है क्लियर, 30 डिग्री और 60 डिग्री एकदम क्लियर समझ में आ गया है कि हम किस तरह से प्रूफ करें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। तो इसके लिए हम एक आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, क्या है आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल जी, हाँ जिसका दो साइड बराबर है और इंक्लूडेड एंगल राइट एंगल, ठीक है तो ये दोनों साइड आपस में बराबर है और ये एंगल कितना डिग्री है नहीं। मान लिया इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी जो राइट एंगल एट बी पर, राइट एंगल एट बी यानी बी पर जो है वो कितना डिग्री है 90 डिग्री। मान लिया जाए कि लेंथ ऑफ ए बी एक्स है और बी सी भी एक्स है क्योंकि आइसोसेल्स है, तो ए बी और बी सी बराबर होगा, तो हमको ए सी फाइंड करना है। तो हमको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो बताओ कि स्क्वायर ऑफ ए सी क्या होगा बोलो, हाँ ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो बताया जाए कि लेंथ ऑफ ए बी क्या है, लेंथ ऑफ ए बी, हाँ लेंथ ऑफ ए बी एक्स यूनिट और बी सी भी एक्स यूनिट, यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बी सी भी एक्स, तो एक्स स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा
2x स्क्वायर एक बार फिर से बता दें, स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट आता है, प्लस और माइनस दोनों में, लेकिन हम लोग लेंथ फाइंड कर रहे हैं, लेंथ हमेशा प्लस होता है, क्लियर बात। तो 2 है, परफेक्ट एग्जांपल नंबर नहीं तो रूट ही में रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स होगा, तो रूट 2 इंटू एक्स या एक्स रूट। ठीक, तो यहाँ पर लिखते हैं ये एक्स रूट, ये हाइपोटेनस फाइंड हुआ, यानी लेंथ ऑफ ए सी एक्स रूट। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर एक बात बताया जाए कि हम जो लिए थे वो कौन ट्रायंगल लिए थे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो बताया जाता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताया गया था कि तीनों साइड बराबर तो तीनों एंगल भी बराबर, इसमें दो साइड बराबर तो दो एंगल भी बराबर, कौन एंगल बराबर, तो इक्वल साइड का अपोजिट एंगल बराबर, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट है ये, तो ये दोनों बराबर, हाँ एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 90 डिग्री है तो बाकी बचा 90, आधा आधा, यानी दोनों बराबर हो रहा था, कितना कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं, क्लियर है, लेंथ ऑफ ए बी पता है एक्स, लेंथ ऑफ बी सी भी एक्स, और लेंथ ऑफ ए सी कितना है एक्स। अब हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे साइन 45 का फाइंड करना है सबसे पहले, तो साइन हम जानते हैं वो रेशियो होता है किसका, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। और बताओ कि 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, चाहे तुम ये 45 लो चाहे ये 45, इसके लिए परपेंडिकुलर एक्स, तो इसके लिए भी तो वही ना होगा, तो कोई भी 45, हाँ ए बी और बी सी दोनों इक्वल है, तो साइन 45 के लिए मान लो ये 45 लेना, तो परपेंडिकुलर क्या है एक्स, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है एंगल के, तो एक्स। और बताओ कि हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए सी कितना है एक्स रूट टू, एक्स एक्स कट जाएगा यानी 1/√, क्लियर। अब हम लोग फिर कॉस 45 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो कॉस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बताओ कि बेस क्या है, तो 45 डिग्री परपेंडिकुलर भी वही, बेस भी वही, क्लियर बात है। तो बेस एक्स और हाइपोटेनस एक्स रूट टू, एक्स एक्स कट जाएगा ये 1/√2। अब बताओ कि टैन 45, तो टैन किसका किसका रेशियो होता है गोपी, हाँ परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, जानते हो तुम, तो 45 के लिए परपेंडिकुलर एक्स और बेस भी एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा कितना आएगा बताओ जल्दी, 1। तो तुम कॉसेक फाइंड कर सकते हो, कॉसेक 45, सेक 45 इसका रेसिप्रोकल होता है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो ये तो था 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो 0 डिग्री और 90 डिग्री, यानी प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस पर ध्यान देना है थोड़ा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना चाहिए, मेन जो है प्रूफ, इस पर थोड़ा ध्यान देना है जो भी प्रूफ किया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 0 डिग्री के लिए, ठीक है, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के लिए हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल है बी पर, ठीक है, तो बी पर 90 डिग्री बनाता है, ध्यान से देखना। और ये मान लिया जाए कि कोई एंगल है जिसका नाम है थीटा, ठीक है, क्लियर। तो बताओ कि तुम बताओ सोहन, अच्छा तुम बताओगे गौतम, कि यहाँ पर 0 डिग्री अगर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, पहली बात है कि वो ट्रायंगल होगा ही नहीं, ठीक है, तो अगर ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर ये 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, ध्यान देना कि अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, यही ट्रायंगल यहाँ पर है, मान लो कि ट्रायंगल ए बी और सी, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा है, ठीक है, समझ रहे हो, तो इसको 0 करना है, तो 0 कब करेंगे, मान लो कि ए सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यानी हम एंगल को छोटा कर रहे हैं, ध्यान देना, छोटा करते करते बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, विलुप्त कर देंगे, यानी ये 0 डिग्री बना देंगे, और मान लो ए यहाँ पर आ जाता है, छोटा हो रहा है कि नहीं, तुमको लग रहा है ना छोटा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, तो ध्यान दे 0 होगा तो क्या होगा, मान लो फिर ए यहाँ पर आ गया, फिर आते आते ए यहाँ पर आ गया, फिर ए बिल्कुल बी पर आ गया है, समझ रहे हो, तो क्या हुआ कि अगर ए बी पर आ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ ए बी पर आ गया है और थीटा पूरी तरीके से 0 हुआ, तो हुआ क्या, तो लेंथ ऑफ ए बी ख़त्म, यानी लेंथ ऑफ ए बी 0 हो गया, क्लियर, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ए बी 0 हो गया। और क्या हुआ, तो ध्यान देना कि ए सी जो है वो बी सी के ओवरलैप, यानी ए सी बी सी बराबर हो गया, तुम देख रहे हो ए उठ के यहाँ आ गया, तो ध्यान देना ए सी और बी सी दोनों सेम हो गया ना, तो यहाँ पर देखो इफ़, ध्यान देना, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो, यानी देन बताओ क्या होगा, ए बी क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी, ए बी 0 यूनिट, ए बी क्या हो जाएगा, 0 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पर बताओ
ए बी तो जीरो एंट्री, और ए बी किसके बराबर हो जाएगा, हाँ सॉरी ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। क्लियर? ये थीटा क्या हुआ, घटते 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 बिल्कुल थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो हुआ तो ए बी पर आ गया, तब ना जीरो हुआ, ए बी पर आ गया यानी ए और बी का लंबाई क्या हो गया, जीरो यूनिट। क्लियर? और ए जब बी पर आ गया तो ए सी और बी सी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ए सी और बी सी दोनों इक्वल हो गया। क्लियर है? अब बताओ हम लोग साइन जीरो डिग्री का और कॉस जीरो और टेन जीरो का फाइंड करते हैं। साइन थीटा बराबर बताओ तो साइन थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा, हाँ साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस। ठीक है, और परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर कितना बताओ जल्दी। अरे थीटा के लिए यहाँ देखो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस बताओ, बताओ गोलू अकरम कितना बोल, हाँ हाँ हाइपोटेनस ए सी हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि अगर थीटा जीरो डिग्री होगा, थीटा क्या होगा, ये थीटा अगर जीरो डिग्री बन जाएगा तो क्या होगा, ए बी जीरो हो जाएगा। थीटा अगर जीरो बन गया तो ए बी का लेंथ खत्म हो जाएगा और ए सी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर। तो साइन जीरो कर दो, थीटा की जगह पर क्या दे दो, जीरो डिग्री। अब बताओ जब थीटा की जगह पर जीरो डिग्री हो गया तो ए बी कितना है, ध्यान दो ए बी कितना है, जीरो यूनिट। तो जीरो वाई ए सी, तो जीरो वाई ए सी जीरो। क्लियर? तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कॉस थीटा, बताओ कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस वाई हाइपोटेनस, ध्यान दो तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। हाँ अब यहाँ पर अगर कॉस थीटा यानी थीटा के जगह पर अगर जीरो रहता तो क्या होता, तो ध्यान देना कि ए बी जीरो के बराबर होता और ए सी और बी सी दोनों क्या होता, बराबर होता। तो चलो बी सी को बी सी रहने दो, और हमको पता है कि ए सी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए सी के जगह पर बी सी दे सकते हैं, तो ए सी के जगह पर बी सी दे दो, बी सी से बी सी कट गया, कितना आया, एक आया। क्लियर? अब हम लोग टैन लेते हैं, टैन थीटा बराबर क्या होता है, किसका किसका रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताओ थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, हाँ थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। फिर वही बात कि अगर थीटा जीरो होता तो ध्यान देना, थीटा जीरो होता तो ए बी जीरो होता। क्लियर बात? तो ए बी जीरो होता, ए बी के जहाँ पर जीरो दे दो, जीरो वाई एनी एक्सप्रेशन एनी नंबर एनी थिंग, जीरो वाई एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए नीचे, जीरो वाई कोई भी नंबर कोई भी एक्सप्रेशन रहे सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टेन जीरो डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, जीरो। क्लियर? अब हम लोग क्या कॉसेक का फाइंड कर सकते हैं जो इसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का फाइंड कर सकते हैं जो इसका रेसिप्रोकल होता है, और कॉट का भी फाइंड कर सकते हैं जो टेन का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं प्रूफ, हाँ 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री अब पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 0 डिग्री भी। अब प्रूफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, तो फिर वही बात उसी तरह से हम समझाने का कोशिश करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लिया जाए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जो बी पर राइट एंगल बनाता है, बी पर 90 डिग्री, और यहाँ पर कोई एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, क्लियर? तो फिर इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, मान लो वही एंगल हम यहाँ बना देते हैं ए बी सी, ध्यान देना ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये कोई एंगल है थीटा। तो ध्यान देना कि थीटा जब 90 होगा तो थीटा 90 कब होगा, अब बताओ कि ये थीटा धीरे धीरे जब ये एंगल इधर आएगा, ठीक है मान लो कि हम ए सी को इधर कर दें यानी सी जो है इधर आ जाता है, तो धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा कि घटेगा, एंगल बढ़ रहा है 90 की तरफ आएगा तो थीटा बढ़ेगा कि घटेगा, थीटा बढ़ेगा। तो मान लिया जाए कि सी फिर यहाँ आ गया और थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर सी मान लो कि यहाँ आ गया और बड़ा हुआ, मान लो कि सी यहाँ आ गया और बड़ा हुआ, सी बिल्कुल इसके ओवरलैप ही तो हो गया, तो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। क्लियर बात? थीटा को यहाँ लाएँ तो थीटा कुछ बड़ा हुआ, ठीक है ये तो 90 से छोटा है, क्लियर बात है, ये कुछ बड़ा हुआ और बड़ा बड़ा होते होते हम जब C को B पर लेते हैं यानी C और B जब कोइंसाइड हो गया तो ये थीटा कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हो गया। समझ में आ गया, क्लियर बात? इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है अगर थीटा 90 होता, अभी तो क्लियर समझ में आ गया कि थीटा अगर 90 होगा तो C B पर आ जाएगा यानी बी सी का जो लंबाई है, ठीक है बी सी की जो लंबाई वो जीरो हो जाएगा, यानी इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन लेंथ ऑफ बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और क्या होगा सी तो बी के कोइंसाइड हो गया है, सी जो है बी पर आ गया, तो ए बी और ए सी का लेंथ सेम, तो ए बी बराबर ए सी। ठीक है अब बताओ साइन थीटा बराबर,
साइन थीटा किसका किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का। तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर थीटा 90 होता तो क्या होता? बी सी जीरो होता और ए बी ए सी के बराबर होता। तो यहाँ पर थीटा 90 है तो थीटा के जगह पर 90 देंगे, तो यहाँ पर ए बी है तो ए बी रहने दो। क्लियर? या हम जान रहे हैं ए बी किसके बराबर है, तो क्या हम ए बी के जगह पर ए सी दे सकते हैं, क्योंकि ए बी ए सी बराबर है और नीचे कितना है ए सी, ए सी से ए सी कट जाएगा, कितना एक आया। क्लियर? अब यहाँ पर कॉस 90 फाइंड करते हैं। कॉस किसका किसका रेशियो होता है? डायरेक्ट या फिर इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। तो थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? ए सी। तो अगर थीटा 90 है तो क्या है? तो थीटा 90 है तो बी सी क्या है? जीरो है। तो बी सी के जगह पर जीरो दे दो और नीचे ए सी, जीरो बाई ए सी क्या हो गया? जीरो। क्लियर? अब फिर टैन के लिए, टैन थीटा बराबर, टैन थीटा किसका किसका रेशियो, टैन किसका किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और बेस का। तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा के लिए हमको पता है कि परपेंडिकुलर ए बी होगा और बेस क्या होगा? बेस, बोलो, बेस बी सी। तो टैन थीटा बराबर ए बी बाई बी सी। और अगर थीटा 90 होगा तो क्या होगा? तो थीटा 90 होगा तो क्या होगा? ए बी, चलो ए बी को ए बी रहने दो, लेकिन बी सी कितना है? जीरो। तो बी सी जीरो दे दो। और हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लियर बात है? हम जीरो से कभी भी किसी भी नंबर को या एक्सप्रेशन को भाग नहीं लगा सकते। तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो 990 डिग्री बराबर ए बी वाई जीरो, जीरो से हम भाग नहीं लगा सकते हैं। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो नहीं करता, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर को फॉलो नहीं करता। तो हम ए बी वाई जीरो को क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइन। तो टैन 90 का वैल्यू क्या होता है? नॉट डिफाइन। क्लियर? कोई सवाल अगर दिमाग में उठ रहा तो पूछ सकते। ठीक है, इस तरह से हम साइन का रेसिप्रोकल कॉस सेक होता है और कॉस का सेक जानते हैं, टैन का कॉट होता है, हम फाइंड करते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इसमें देखेंगे कि ए बी से एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो बी पर राइट एंगल है ना, हम बी पर 90 डिग्री बनाता है। और हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री है, तो ए और सी का सम 90 होगा, क्योंकि सभी एंगल का सम 180 होता है। चलो ए और सी का सम 90, अगर हम सी को मान लें थीटा, तो बता सकते हैं एंगल ए क्या हो जाएगा? तो एंगल ए क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। क्लियर? ठीक है, अगर ये थीटा होगा तो 90 माइनस थीटा, इसको अल्फ़ा मानना तो 90 माइनस अल्फ़ा, कोई भी एंगल हम ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक्यूट एंगल मान सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? हाँ बोलिए। टैन थीटा। ऐसा होता क्यों है? तो यहाँ पर समझना है कि ऐसा होता क्यों है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये सब होता क्यों है? तो हम देखेंगे। मान लिया जाए कि साइड का जो नाम है, इसका मान लो ये एक्स यूनिट का है, ठीक है, और ये वाई यूनिट का है, और ये जेड यूनिट का है। तो हम जानते हैं कि थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, सबसे पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। और 90 माइनस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, ये प्रूफ करना। तो हम देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पहले देखते हैं। ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा यहाँ, और हम ये जानते हैं कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर वाई क्या होता है? हाइपोटेनस, पता है।
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा जी? बी सी यानी वाई, तो वाई लिख देते हैं। और हाइपोटेनस, तो दोनों एंगल के लिए हाइपोटेनस ए सी यानी जेड, इसको मान लिया जाए इक्वेशन कितना फर्स्ट, क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर पी वाई एच बराबर वाई वाई जेड। अब हम लोग लिख लेते हैं कॉस थीटा, ध्यान देना कॉस जो होता है वो किसका किसका रेशियो होता है, बेस और हाइपोटेनस के रेशियो कॉस होता है, तो कॉस थीटा बराबर बेस वाई हाइपोटेनस। अब यहाँ पर देखेंगे, बताओ तो जी थीटा के लिए बेस क्या हो जाएगा वाई है ना, बी सी वाई, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा जेड। क्या तुमको लगता है कि इक्वेशन फर्स्ट में वाई वाई जेड बराबर साइन 90 माइनस थीटा है और इक्वेशन सेकंड में वाई वाई जेड बराबर कॉस थीटा, यानी वाई वाई जेड सेम, तो ये दोनों भी सेम हो, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन एक और दो से, इक्वेशन एक और दो से साइन 90 माइनस थीटा बराबर वाई वाई जेड है और कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई वाई जेड सेम है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बताओ, कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या प्रूव कर सकते हैं, साइन थीटा क्या कर सकते हैं, क्लियर। इसी तरह से तीसरा क्या था जी, तीसरा था कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और सेक थीटा, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉसेक किसका किसका रेशियो होता है, बताओ जल्दी, कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है, तो 90 माइनस थीटा के लिए बताओ कि हाइपोटेनस कौन हो जाएगा जेड हो जाएगा, और बताओ कि परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा 90 माइनस थीटा के लिए, परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा वाई, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सेक थीटा लेते हैं और ध्यान देना सेक जो होता है, सेक जानते हैं सेक किसका किसका रेशियो होता है हाइपोटेनस और बेस का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस वाई बेस। अब बताओ कि थीटा के लिए हाइपोटेनस कौन हो जाएगा जेड और बेस वाई, तो ध्यान देना कि जेड वाई वाई के बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और जेड वाई वाई के बराबर सेक थीटा, तो इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। इक्वेशन एक और दो से हम क्या पा रहे हैं बताओ, के वाई वाई जेड के बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा है और जेड वाई वाई के बराबर सेक थीटा है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कॉसेक 90 माइनस थीटा के बराबर कौन हो जाएगा, कौन होगा सेक थीटा। क्या इसी तरह से हम सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि साइन 70 डिग्री और वाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहे कॉस 20 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना, तो हम किसी एक को चेंज कर देंगे और हम जानते हैं कि साइन 70 डिग्री को लिख सकते हैं हम साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री बताओ 20 डिग्री और नीचे कितना है कॉस 20 डिग्री, और हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और बताओ कि कॉस थीटा के जहाँ पर क्या है 20 और नीचे भी कॉस 20, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा 1। इस तरह से क्वेश्चन दे रहा तो हम आसानी से बना सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमको पढ़ना है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा बोलिए सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये कह ही रहा है कि थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू अगर पुट किया जाए तो रिजल्ट 1 होगा, ये तीनों में ये बात यूज हो कर सकते हैं हम। तो हम देखेंगे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और हम जानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो अदर दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो मान लिया जाए कि ये एंगल है जिसका मैग्नीट्यूड थीटा, क्लियर,
तो ये थीटा है, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और ये बेस होगा, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन क्यों होता है। तो हम लोग LHS लेते हैं, तो LHS बराबर, हाँ बताया जाए LHS कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ कि साइन थीटा, साइन किसका किसका रेशियो होता है, हाँ साइन P और H का रेशियो होता है। तो साइन परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर वाई हाइपोटेनस साइन, यानी स्क्वायर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर वाई हाइपोटेनस स्क्वायर, क्लियर। अब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस होता है बी वाई एच, तो कॉस स्क्वायर थीटा है यानी बी वाई एच, और स्क्वायर है तो दोनों पर पावर टू कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ कि एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर ऊपर पी स्क्वायर और प्लस कितना स्क्वायर, बी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, और नीचे हाइपोटेनस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस स्क्वायर और हाइपोटेनस कट के कितना आया, वन आया, और बराबर क्या, आर एच एस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है, वन। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा था कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। सेम तरीके से हम LHS ले सकते हैं, LHS कितना है, और लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉसेक एच वाई पी होता है, तो स्क्वायर है यानी एच स्क्वायर वाई पी स्क्वायर, और कॉट जो है वो बी वाई पी होता है, तो स्क्वायर है तो बी स्क्वायर वाई पी स्क्वायर। अब देखेंगे कि पी स्क्वायर और पी स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ऊपर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर और नीचे भी परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो कट के कितना आया, वन आया, यानी बराबर आर एच एस, ठीक है। इस तरह से हम तीसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। तीसरा क्या है, आपको याद है तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। क्या इसी तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं? तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज था।